टाइटैनिक जहाज के मलबे तक जाने वाली आबदोज बहरे ओकियानोस में खो चुकी है। क्या शहजादा दाऊद और उनके बेटे वापस आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि कुछ घंटे ही रह गए हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गई। सर्चिंग का ऑपरेशन जारी है लेकिन अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। टाइटैनिक जो है वो आइसबर्ग से 1912 में टकराया था। आज लोगों में तजस्सुस मौजूद है कि हम लोगों ने टाइटैनिक का मलबा देखना है और उस तजस्सुस की वजह से वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान कमल अमानत और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, अगर बात की जाए इंटरनेशनल मीडिया की और पाकिस्तानी मीडिया की तो आपको एक सनसनीखेज खबर गर्दिश करती हुई दिखाई देगी। खबर यह है कि टाइटैनिक जहाज के मलबे तक जाने वाली आबदोज बहरे ओकियानोस में खो चुकी है। बिल्कुल, ये आबदोज जो है वो इतवार की सुबह को तकरीबन 8 बजे रवाना होती है और 1 घंटा 45 मिनट सफर करने के बाद और सतह समुंदर से तकरीबन 8 किलोमीटर गहराई में जाने के बाद इससे राबता मुनकते हो जाता है, तमाम सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं और अभी तक इस आबदोज का कोई अता पता नहीं है। अमेरिका और कनाडा के हुकाम ने सर्च ऑपरेशन जारी कर दिए हैं। सर्चिंग का ऑपरेशन जारी है लेकिन अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। कहा यह जा रहा है कि इस जो है वो आबदोज में तकरीबन 96 घंटे मतलब 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन जो है वो तकरीबन 3 रोज गुजर चुके हैं, 3 रोज से ज्यादा टाइम गुजर चुका है और जुमेरात की सुबह जो है वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं और अभी तक जो है वो उनका कोई अता पता नहीं है। अगर उस आबदोज की बात की जाए तो उस आबदोज में 5 अफराद का ग्रुप जो है वो सवार हुआ था, जिसमें 2 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की मारूफ कंपनी, सबसे मारूफ कंपनी एग्रो कॉरपोरेशन के चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे सुलेमान उसमें जो है वो मौजूद है और उन्होंने जो है वो इसमें सफर करना शुरू किया। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि बाकी जो 3 लोग हैं उनका भी काफी खरबों अरबों की बात की जाए वो खरबों अरबों के मालिक हैं, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के एग्रो कंपनी के वाइस चेयरपर्सन जो है वो मौजूद है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि शहजादा दाऊद कैलिफोर्निया की ट्रस्टी कंपनी के भी जो है वो मालिक हैं। और अगर बात की जाए आबदोज की उस सबमर्सिबल की जिसमें ये 5 लोग जो है वो मौजूद थे, उसकी बात की जाए तो ये ओशन गेट नामी कंपनी की जो है वो एक आबदोज है जिसका नाम टाइटन रखा गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये टाइटन नामी जो सबमर्सिबल है वो 2021 में जो है वो अपने पहले विजिट पर गई थी और तकरीबन 3 विजिट कर चुकी है। इस टाइटन को जब ओशन गेट ने बनाया तो तकरीबन 50 के करीब मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। इसमें इतनी पावर है कि इसके अंदर छोटे छोटे जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं ये खुद ब खुद जो है वो उसको सॉर्ट आउट कर लेती है। ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, ये गहराई को बर्दाश्त कर सकती है। $2.5 लाख फी पर्सन जो है वो इसकी टिकट है। मतलब ये कि शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान ने $5 लाख देकर अपनी मौत को दावत दी है और इस वक्त जो है वो वहां पर फंस गए हैं, पता नहीं चल रहा, सिग्नल ड्रॉप हो गया। अगर बात की जाए इस सबमर्सिबल की तो इस सबमर्सिबल को जो है वो एक शिप के जरिए कंट्रोल किया जाता है। सतह समुंदर से बाहर एक शिप है, वहां से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। वहां से पता चला कि जी सिग्नल ड्रॉप हो चुके हैं। ये सबमर्सिबल खुद अंदर जाकर वर्क नहीं करती, इसका सारा का सारा कंट्रोल जो है वो एक शिप के जरिए किया जाता है। गेम जिस जो है वो रिमोट से खेली जाती है उसके थ्रू जो है वो कुछ प्रोसेस किया जाता है एंड देन वहां से उसको कंट्रोल किया जाता है। 1 घंटा 45 मिनट के बाद जब सिग्नल ड्रॉप हुए उसके बाद अभी तक सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस खबर को लेकर परेशान है, पाकिस्तानी मीडिया परेशान है, पाकिस्तानी परेशान है, तमाम बिजनेस टाइकून्स जो है वो इस वक्त जो है वो लम्हा फिक्रिया में है कि क्या शहजादा दाऊद और उनके बेटे वापस आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि कुछ घंटे ही रह गए हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गई तो फिर उनका बचना नामुमकिन है। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है वो हिफ्ज़ो अमान में रखे और वो सही सलामत वापस आ जाए। अगर बात की जाए टाइटैनिक की तो टाइटैनिक जो है वो जहाज आइसबर्ग से 1912 में टकराया था, लेकिन इसकी हाइप लोगों में तब क्रिएट होना शुरू हुई जब टाइटैनिक मूवी हमें जो है वो अमेरिका की तरफ से देखने को मिली और आज लोगों में तजस्सुस मौजूद है कि हम लोगों ने टाइटैनिक का मलबा देखना है और उस तजस्सुस की वजह से वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। आपके साथ तमाम अपडेट्स शेयर करते रहेंगे, अब तक की अपडेट्स आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।